जनपद संभल के चंदौसी में आज भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने विजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिलकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस विषय में भारतीय किसान यूनियन के विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि किसानों की मोटर 10 आर्ट्स पावर की है, जबकि उन्हें बिल 15 और 16 आर्ट्स पावर के मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक किसान ने अपना घर अपने खेत में बनाकर बिजली का कनेक्शन भी करा लिया, लेकिन विभाग ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि उसका ट्यूबवेल और घर दोनों के बिल जमा है। वहीं जब उनसे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में किसानों के जमीन पर बैठने के विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए कि अन्नदाता का कितना सम्मान है। वहीं इस विषय में अधीक्षण अभियंता इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि किसानों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों के नीचे बैठने के जवाब में कहा कि मैंने देखा नहीं था कि ये नीचे बैठे हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, जो भी निवारण सवाल है, जैसे जो बता रहे हैं कि हमारे मीटर लगे हुए हैं, मीटर के हिसाब से जो लोड आ रहा है उसका इनका बिल बन रहा है। इनका ये कहना है कि हमारे मीटर बिजली जो मीटर मोटर लगी हुई है अंदर, वो इतने हार्स पावर की नहीं है। सर, जैसे कि किसान का घर का बिल भी जमा है और ट्यूबवेल का बिल भी जमा है, फिर भी उस पर FIR कराई गई विजिलेंस द्वारा, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इनका एक प्रकरण इन्होंने अभी सूचित किया है हमारे किसान ने, तो इसका मैं संबंधित अधिकारी को निर्देश करके दिखवाता हूँ कि इसमें ऐसा कैसे चूक हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके कार्यालय में कुछ फरियादी जो आए हैं मिलने आपसे, वो नीचे बैठे हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, जमीन पर बैठे हुए नहीं, बैठना नहीं चाहिए। आपने भी नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया, आप देखते उनको बोलते? नहीं नहीं, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा जमीन पर बैठ जाए। क्या आपने ये भी नहीं कहा कि क्यों बैठे हैं, खड़े हो जाइए या बैठ जाइए? नहीं नहीं, खड़े हुए हैं, देर से खड़े हैं हम लोग, प्लीज। सर, और जो किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक हो जाएगा? नहीं, ये समस्याएं तकनीकी समस्याएं हैं, ये तो हम ऊपर बात करेंगे अपने। सर, जैसे कि FIR का मामला सामने आया है, हाँ, तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? अब इसमें सूचना के जिसने भी सूचना बता रहे हैं कि वहाँ पे गए थे, कोई था नहीं, इनका प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये अगर हो गई है चूँकि इस तरह के, तो उसको हम जो भी नियम है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके जो ट्यूबवेल में मोटर है वो 10 हाउस पावर के लगी और बिल इनका 15 का आ रहा है, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें हमारे जो बिल बन रहे हैं वो आ नहीं रहे, जो भी मीटर इनके साथ लगे हुए हैं, इनके कनेक्शनों पे मीटर लगाए गए हैं और जो मीटर रीडिंग आ रही है उसके हिसाब से वो 15 आ रही है, 14.5 या 15 आ रही है, तो उसमें हम मेरा तो ये था कि अगर इनको मीटर पे कोई संदेह है तो एक मीटर के साथ दूसरा चेक मीटर लगवा के चेक करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए राजी नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं हमारा मीटर ही मोटर 10 ही हार्स पावर की है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उसके अतिरिक्त चेक करा लें। तो जैसे कि बिजली विभाग में उन्होंने जब अप्लाई किया होगा तो उस समय सेंशन हुआ होगा ना, वो कितना हाउस पावर का मीटर मोटर लगना है, तो हाँ, आपके पास कागज में लिखा होगा? हाँ बिल्कुल लिखा है, तो वो देख लीजिए आप, उससे पता लग जाएगा। नहीं, वो तो लिखा है उन्होंने, जो उन्होंने लिखा है 10 लिखा है या 7.5 लिखा है, जो लिखा है जो स्वीकृत हुआ है, लेकिन जो मीटर लगने के बाद जो रीडिंग मीटर जो, लेकिन अगर जैसे कि अगर वो चेकिंग में 10 का पाया गया उनका 15 का जो बिल आया, तो उसका वो बाकी बिल का भुगतान अगर 10 का पाया जाएगा तो निश्चित रूप से संशोधित होगा, तो नियम है उसके हिसाब से कम ज़्यादा दोनों संशोधित नियम है, ऐसा नहीं है ज़्यादा ही संशोधित, अगर कम है तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा।